Assalamu alaikum. Welcome to Design with Aisha Anwar. So, आज हम बात करेंगे ब्रश के टेक्सचर्स और ब्रशेस के बारे में. So, शुरुआत करते हैं. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि different ब्रशेस होते हैं different पेंट्स के लिए और हर ब्रश का एक अपना काम होता है, एक अपना टेक्सचर होता है जो वो क्रिएट करता है हमारी पेंटिंग के दरमियान में. ठीक है, जैसा कि कुछ राउंड ब्रशेस होते हैं, कुछ फ्लैट ब्रशेस होते हैं और कुछ सबके नेम्स अलग अलग होते हैं, नंबर्स अलग अलग होते हैं और हर ब्रश का अपना एक टेक्सचर होता है. कुछ ब्रशेस होते हैं जो पोस्टर कलर्स को बहुत इन्हेंस करते हैं, कुछ ब्रशेज़ होते हैं जो एक्रेलिक कलर को बहुत इन्हेंस करते हैं. जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, इस वक्त मैंने आपको कुछ ब्रशेज़ के टेक्स्चर्स दिखाए हैं, स्ट्रोक्स दिखाए हैं जो हम ब्रशेज़ से क्रिएट कर सकते हैं. कुछ ड्राई ब्रशेज़ के स्ट्रोक्स होते हैं, कुछ वेट ब्रशेज़ के स्ट्रोक्स होते हैं. ये डिफरेंट हम इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर करके दिखाएंगे. अब जैसे ये मैंने डिफरेंट तरह के अलग अलग ब्रशेज़ जो हैं वो यहाँ पर शो किए हैं. मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि इस तरीके से बहुत अलग अलग नंबर्स होते हैं ब्रशेज़ के, 1, 2, 3, 4 इस तरह डिफरेंट ब्रशेज़ होते हैं जो कि हम यूज़ कर सकते हैं. इस तरीके से ये कुछ राउंड ब्रशेज़ हैं, कुछ फ्लैट ब्रशेज़ हैं. फ्लैट ब्रश होता है उसको ड्राई करके एक अलग टेक्सचर आता है और राउंड ब्रश होता है उसको ड्राई करके अलग टेक्सचर आता है. इस तरीके से कुछ कट ब्रशेज़ होते हैं, कुछ और फैन ब्रशेज़ होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ब्रशेज़ होते हैं जो डिफरेंट स्ट्रोक क्रिएट करते हैं. ठीक है, हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में ये सब कुछ इंशाल्लाह करेंगे, लेकिन यह है कि इस वीडियो में मैंने कुछ आप लोगों के साथ शेयर किया है ताकि आप लोग कुछ इसके बारे में इंट्रोडक्शन ले सकें. अब ये है, जैसे मैंने ये ड्राई ब्रश का जो है वो टेपिंग वाला एक टेक्सचर होता है जो मैंने आपको ये एक इस पिक्चर में दिखाया है. इस तरीके से मैं आगे अपना थोड़ा सा वर्क आपको शेयर करूँगी कि किस तरीके से वर्क के अंदर हम लोग टेक्सचर्स क्रिएट करते हैं. जैसे ये मैंने डिफरेंट टाइप के टेक्सचर जो है वो ब्रशेज़ से क्रिएट किए हुए हैं. इस तरीके से मैं आप लोगों को अपने कुछ आगे भी वर्किंग शो करूँगी कि हम लोग कौन से ब्रश से कैसा काम ले सकते हैं, किस ब्रश से हम लोग टिपिंग का काम कर सकते हैं, किस वाले ब्रश से हम लोग जो है वो ड्राई ब्रश का काम कर सकते हैं और कौन कौन से डिफरेंट ब्रशेज़ होते हैं जिससे हम लोग डिफरेंट टाइप के टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं. यहाँ तक कि सिर्फ ब्रशेज़ ही नहीं, ये मैंने अलग अलग बहुत सारी डिफरेंट घर की चीज़ों से टेक्सचर्स को क्रिएट किया है. आप लोगों को भी मैं बताऊँगी कि कुछ ऐसा ख़ास सामान लेने की ज़रूरत नहीं होती टेक्सचर्स को क्रिएट करने के लिए. हम लोग काफ़ी ऐसी चीज़ें घर में भी मौजूद होती हैं जिससे हम लोग कुछ नए टाइप के टेक्सचर्स क्रिएट कर सकते हैं जो कि वाकई मार्केट में अवेलेबल नहीं है. और मेरी इसी चीज़ पे ग्रिप है कि मैं जब अपना वर्किंग करती हूँ तो मेरे वर्किंग जो है वो ज़्यादातर इम्प्रेशंस पे होती है, बनिस्बत के मैं पेंट ज़्यादा नहीं करती, मैं टेक्सचर्स पे जो है अपना वर्क को क्रिएट करती हूँ. टेक्सचर्स के ऊपर मेरी इम्प्रेशन और ग्रिप ज़्यादा है. तो इस तरीके से जैसे ये आपको नज़र आ रहा है, इसके अंदर भी मैंने बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें जो है लेकर उससे टेक्सचर्स बनाए. कुछ टेक्सचर्स जो हैं वो मेरे ब्रशेस के हैं, कुछ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग टाइप के टेक्सचर्स हैं. जैसे कि लोग कहते हैं कि वे अपना काम दे देंगे तो उससे हमारा काम कम हो जाएगा, ऐसा नहीं होता. अगर हम लोग अपने काम को शेयर करते हैं तो शेयर करने से यह है कि हमारी नॉलेज बढ़ती है, कुछ आपसे सीखने को मिलता है, कुछ आपको हमसे सीखने को मिलता है. इस तरीके से जब हम लोग अपने काम को शेयर करते हैं तो अल्लाह ताला भी इसमें बरकत ज़रूर डालता है और यह है कि अपनी भी नॉलेज बढ़ जाती है और ज़्यादा. तो यह है कि मैं आज आपसे थोड़ी सी टेक्स्चर्स और ब्रश के स्ट्रोक्स शेयर करूँगी. आगे कुछ वीडियोज़ आ रही हैं, आप लोग ज़रूर देखिएगा. जैसे कि ये है, तो ये फ्लैट ब्रश को डिफरेंट तरीके से स्ट्रोक्स लगाकर एक हम लोग फैब्रिक पे प्रिंट कर रहे हैं. इसको कहते हैं इम्प्रेशन, जो कि फ्री हैंड से किया जाता है. कोई इसके अंदर हमें आर्ट की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी हमें इसके अंदर वो करने की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे स्ट्रोक से ही हम अपना एक प्रिंट बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत सा और बहुत एलिगेंट सा लुक इसका आ सकता है सिर्फ कलर्स के ज़रिए और स्ट्रोक्स के ज़रिए. अब जैसे यहाँ है, ये ड्राई ब्रश है और इसके ऊपर इन्होंने पेंट लगाया हुआ है और पेंट के साथ जो है वो हम लोग टेक्सचर्स को क्रिएट कर रहे हैं. तो ये ड्राई ब्रश का टेक्सचर है जैसे मैंने आप लोगों को पहले पिछली वीडियोज़ में पिक्चर्स में शो किया था. अब ये है, ये हम लोग राउंड ब्रश की टिप से जो है वो लाइन्स क्रिएट कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पीछे स्ट्रोक्स दिखाए इसी तरीके से. अब जैसे कुछ वीडियोस मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं कुछ और भी इंशाल्लाह शेयर करूँगी. सो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए ताकि आप लोगों को न्यू चीज़ें देखने को मिले, न्यू न्यू चीज़ें सीखने को मिले. थैंक यू सो मच.
अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे तो